मैं डॉक्टर एन एस लिल्लर है। आज हम देखेंगे कि कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो रैंक कोरिलेशन को जो प्रतिपादन है या रैंक कोरिलेशन बनाने का श्रेय चार्लिस एडवर्ड को जाता है। किसको? चार्लिस एडवर्ड। चार्लिस एडवर्ड स्पीयरमैन को जाता है और इसीलिए इसे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी कहा जाता है। तो मूलतः जो स्पीयरमैन है वो लंदन के जो बड़े एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और इनका स्टैटिक्स में भी एक बड़ा योगदान रहा है। तो इन्होंने जो रैंक कोरिलेशन का अपना जो फार्मूला दिया है उसको ग्रीक वर्ड के ये पी वर्ड से दर्शाते हैं जिसको हम कहते रो, आर एच ओ रो के माध्यम से बताते हैं। पी इक्वल टू 1-6 इंटू समेशांक डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस वन के द्वारा दर्शाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चरों के बीच में सहसंबंध को बताता है या रिलेशन कैसा है ये बताता है। तो रिलेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, कोरिलेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें और दूसरा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें, तो एक तो कोरिलेशन कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, मतलब एक चर के बढ़ने से दूसरे चर भी बढ़े, एक चर के में वृद्धि होने से दूसरे चर में भी वृद्धि हो, तो इसको ही हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? मान लो यहाँ पर कि पेट्रोल के प्राइस में ग्रोथ होने पर डीजल के भी प्राइस में ग्रोथ हो, पेट्रोल के प्राइस में ग्रोथ होने पर डीजल के प्राइस में भी ग्रोथ हो, तो मतलब पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से डीजल का भी प्राइस बढ़ रहा है। तो ये जो कंडीशन है तो ये दोनों वेरिएबल्स में सेम वे में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम चेंज हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और दूसरा हो सकता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में कि एक चर में वृद्धि होने पर या एक चर इंक्रीज होने पर दूसरा चर डिक्रीज हो, एक चर इंक्रीज होने पर दूसरा चर डिक्रीज हो। मान लीजिए यहाँ पेट्रोल का कीमत बढ़ने पर क्या होगा, पेट्रोल का कीमत बढ़ने पर कार की मांग कम हो जाएगी, तो यहाँ पर एक के कीमत बढ़ने पर यानी एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी आई है, दूसरे वेरिएबल्स में कमी आई है, तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एक में वृद्धि हो जाए तो दूसरे में कमी हो जाए या एक में कमी हो जाए तो दूसरा बढ़ जाए, तो ये विपरीत दिशा में वेरिएबल्स में चेंज आएंगे, तो इसी ही हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। अब जो इसको हम जनरली आर के द्वारा दर्शाते हैं तो कोरिलेशन क्या होगा, -1 से लेकर 0 से -1 तक वैल्यू होगा या 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगा कोरिलेशन का। कोरिलेशन का जब भी वैल्यू आएंगे या तो वो 0 से लेके -1 होगा या 0 से +1 होगा। तो इस तरीके से हम आज देखेंगे कि वैसे तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं जिसमें कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है, बट हम यहाँ पर आज देखेंगे स्पीयरमैन ने जो
रैंक कोरिलेशन है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उनके दिए हुए फार्मूले के आधार पर। तो रैंक कोरिलेशन को हम बनाने के लिए दो चर में, दो चर दिए होंगे तो दो चर में हम कैसे, दो चरों के माध्यम से कैसे हम कोरिलेशन को हम ज्ञात करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो हमारे एग्जांपल्स में यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है ए बी सी डी ऐसे एच तक, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट मतलब एट स्टूडेंट है। अब इस एट स्टूडेंट का टेस्ट, इकोनॉमी टेस्ट में इस तरीके से मार्क है और ज्योग्राफी टेस्ट में इस तरीके से मार्क्स है। अब इसके आधार पे हमको रैंक मेथड से कोरिलेशन ज्ञात करना है तो हमको रैंक को रैंक बताना पड़ेगा या रैंक बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आर वन और आर टू, आर वन मतलब रैंक वन और आर टू मतलब रैंक टू। तो ये रैंक हम देंगे यहाँ पर रैंक वन, जिसको हम रैंक वन को हम कहेंगे आर वन। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का टेस्ट है। अब यहाँ पर देखना होगा कि रैंक यानी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले को हम वन रैंक देंगे। तो देखिए यहाँ पर 50, यहाँ 60 सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो इसको हम वन रैंक देंगे। 60 के बाद आप देखिए 50 तो ये हो जाएगा टू रैंक, 50 के बाद आप देखिए 40 तो ये हो गया थ्री रैंक, 40 के बाद क्या है आपका 54 आ जाएगा रैंक, 35 के बाद आप देखेंगे तो है 25 तो ये रैंक फिफ्थ हो जाएगा। अब इससे छोटा वैल्यू 20 है तो ये सिक्स रैंक हो जाएगा, 20 के बाद ये 18 सेवन रैंक और लास्ट है 10। ऐसे हमने इसको रैंक दे दिया। क्लियर, रैंक कैसे देते हैं, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको वन और उससे छोटा वैल्यू को 1 2 3 ऐसे हम रैंक देते जाएंगे। तो सेम वे में हम यहाँ पर रैंक जिसको हम आर टू द्वारा दर्शाते हैं ये ज्योग्राफी के लिए होगा तो आर टू हम वही रैंक देंगे। यहाँ मैक्सिमम मास है यहाँ 75 तो 75 को वन रैंक होगा, फिर 75 के बाद 65 टू रैंक, 65 के बाद 55 थ्री रैंक, अब 45 फोर रैंक, 45 के बाद 35 रैंक, 30 के बाद आपका 25 सिक्स रैंक, 25 के बाद 17 सेवन रैंक और 15 एट रैंक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रैंक दे दिया है दोनों भी टेस्ट के लिए, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए। तो अब हमको यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डिफरेंस इन रैंक। तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा डिफरेंस इन रैंक, रैंक के बीच में डिफरेंस क्या है, जिसको हम यहाँ पर डी द्वारा दर्शाएंगे। डिफरेंस इन रैंक को हम किसके द्वारा दर्शाएंगे, डी। और डी क्या है, डी क्या होगा आर वन और आर टू, डी क्या होगा आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू। तो फोर माइनस थ्री वन, थ्री माइनस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन, सिक्स माइनस सेवन माइनस वन, एट माइनस एट जीरो, टू माइनस फोर माइनस टू, फाइव माइनस फाइव जीरो, सेवन माइनस सिक्स वन। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, रैंक के बीच में डिफरेंस ज्ञात कर लिया। अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग टू डी स्क्वायर ज्ञात करना है तो अब हम इसका डी स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डी स्क्वायर वन स्क्वायर वन, टू स्क्वायर फोर, माइनस वन स्क्वायर वन, माइनस वन स्क्वायर वन, जीरो स्क्वायर जीरो,
माइनस टू इट मीन्स फोर और ज़ीरो एंड वन, क्लियर। अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग टू उसका समेशांक कर लेना है, किसका, स्क्वायर का, डी स्क्वायर का हमको समेशांक कर लेना है, वन फाइव सिक्स सेवन सेवन और इलेवन ट्वेल्व, तो ये हमारा ई डी स्क्वायर कितना आ गया, ट्वेल्व, क्लियर। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इस तरीके से ई डी स्क्वायर हो गया। अब इसको हमको फार्मूले में क्या कर लेना है, जो वैल्यू हमको मिला उसको ले लेना है, तो फार्मूला आपका है वन माइनस सिक्स इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाय एन, कितना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, एट, तो एट इंटू एट स्क्वेयर माइनस वन, तो इक्वल टू सेवेंटी टू डिवाइड बाय एट इंटू सिक्सटी फोर माइनस वन, तो इट मीन्स सेवेंटी टू एट इंटू सिक्सटी फोर माइनस वन सिक्सटी थ्री, ये कितना हो गया, सिक्सटी थ्री, और इस तरीके से ये हो जाएगा सेवेंटी टू डिवाइड बाय, अब एट इंटू आप सिक्सटी थ्री करेंगे तो ये होगा फाइव जी फाइव ज़ीरो फोर, फाइव हंड्रेड ज़ीरो फोर, और तो इस तरीके से यहाँ वन माइनस करते चले जाइए आप, वन माइनस तो वन माइनस, अब सेवेंटी टू को फाइव ज़ीरो फोर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वन पॉइंट फोर टू एट, वन माइनस जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वन वन फोर एट, अब इसको जब पॉइंट वन फोर एट को माइनस करेंगे हम वन से तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो पॉइंट एटी सिक्स, तो इट मीन्स ये जो रिज़ल्ट आया है कोरिलेशन, मतलब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन को रैंक मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं या कैलकुलेट करते हैं। इजी स्टेप है, हमको रैंकिंग दे देना है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं, दो वेरिएबल्स दिए होंगे या डाटा दिए होंगे उसका रैंक कर लेना है, और रैंक करने के बाद में हम डिफरेंस ले लेंगे, फिर डिफरेंस का स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद उसको प्लस कर लेंगे, फिर हमारा जो रो इक्वल टू वन माइनस सिक्स समेशांक डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू द ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस वन से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इस तरीके से हम कोरिलेशन को रैंक मेथड्स के द्वारा कैलकुलेट करेंगे, और कोई कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, और सेम मार्क्स डबल टाइम आ जाए, टू टाइम्स थ्री टाइम्स रिपीट हो जाए डाटा में, तो हम रैंक कैसे देंगे, क्योंकि इससे पहले वाला एग्जांपल में आपने देखा था कि कोई भी डाटा रिपीट नहीं हुआ था, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो मैथ्स के में देखेंगे 12 मार्क्स टू टाइम रिपीट हुआ है और 16 मार्क्स टू टाइम रिपीट हुआ है, उसी तरीके से हिंदी में 8 मार्क्स टू टाइम रिपीट हुआ है और 14 मार्क्स भी टू टाइम रिपीट हुआ है, तो जब जो फिगर्स है या डाटा है मोर देन वन टाइम रिपीट हो तो हम रैंक कैसे देंगे, तो यहाँ भी वेरी इजी है मगर हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आप मैथ्स के लिए जब हम आर वन को कैलकुलेट करेंगे, रैंक वन को रैंक देंगे, तो यहाँ पर 19 मार्क्स मैक्सिमम है, तो इसलिए यहाँ पर रैंक वन आएगा 19 के लिए, क्लियर। अब 19 के बाद छोटा वैल्यू आप देखिए कितना है, 16, तो वन हमारा 19 हो गया, 16 टू 16 3,
16 2 और 16 3, तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो 2 + 3 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2.5। अब हमने 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दो डाटा है, 16 16 टू टाइम्स आया, तो 16 का जो रैंक होगा 2 और 3 होगा, 1 रैंक हमारा पहले ही आ गया, तो यहाँ पर जो 16 का रैंक होगा वो 2.5 और 16 का रैंक 2.5। क्लियर, ध्यान दीजिए 3 रैंक तक आ गया। अब हमारा जो 4 रैंक होगा वो होगा 14, क्योंकि 16 के बाद है 14। अब 14 के बाद है 4 रैंक ले लिया। अब 14 से छोटा क्या होगा, तो वो है 12, तो 4 आ गया, तो 12 आ जाएगा 5 और 6, कितना आ गया 5 और 6, तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, ये भी दो डाटा है, तो इसीलिए 11/2 इक्वल टू 5.5, तो जो 12 का रैंक होगा 5.5 और इसका भी होगा 5.5। अब हम 6 रैंक तक चले गए। अब हमारा 12 से छोटा कौन सा है, ये है 10, तो 10 हो जाएगा 7 रैंक, और लास्ट है 8, तो ये होगा 8 रैंक। तो इस तरीके से आपने ये रैंक कैलकुलेट कर लिया या रैंक दे दिया मैथ्स के लिए। अब हिंदी के लिए भी हम रैंक सेम वे में देंगे, तो देखेंगे कि सबसे बड़ा जो आंकड़ा है यहाँ पर वो 19 है यहाँ पर, तो देखिए आप, नहीं सॉरी 20 है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो वैल्यू है 8 वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 14 वैल्यू भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 सबसे बड़ा है, तो 20 को यहाँ रैंक 1 हो जाएगा। अब 20 के बाद आप देखिए छोटा वैल्यू कौन सा है, 19, तो 19 रैंक सेकंड हो जाएगा। 19 के बाद कौन सा वैल्यू है, 14, तो 14 1 2 रैंक हो गया, ये होगा हमारा 3 और ये होगा 4 रैंक, तो 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3.5। ये कितना होगा 3.5, और 3.5 रैंक कौन से किसके लिए होगा, 14 के लिए, तो 3.5 और ये भी 3.5। क्लियर, अब आगे बढ़े, 4 रैंक तक आ गए हम, 14 के बाद है 13, तो 13 को आज आपका रैंक आ जाएगा 4 के बाद 5 13 के बाद 13 भी हो गया, 13 के बाद 9 है यहाँ पर, तो 9 हो जाएगा 6 रैंक, 9 के बाद 8 आया, तो 8 6 हुआ 7 और ये 8, तो 6 के लिए 7 + 8 डिवाइड बाय 2, तो ये 15 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 7.5, तो जो 8 के लिए क्या हो जाएगा रैंक 7.5 और यहाँ भी 7.5। तो इस तरीके से हमने रैंक को ले लिया है दोनों के लिए, मतलब हिंदी और मैथ के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, ये पोजीशन हमारा डिफरेंस का होगा, तो डी बराबर R1 - R2, तो 5.5 - 6 करेंगे तो यहाँ पर -0.5 आएगा, 7 - 2 5 आ गया, 4 - 7.5 तो -3.5, 5.5 - 3.5 तो ए हो जाएगा आपका 2, 1 - 1
जीरो, 2.5 माइनस 5 तो ये माइनस 2.5, अब 8 माइनस 7.5 तो 0.5 हो जाएगा, और ये 2.5 माइनस 3.5 तो ये माइनस 1। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि D जो डिफरेंस है वो R1 और R2 का डिफरेंस है या अंतर है, इसको हमने निकाला। अब इसके अकॉर्डिंग टू अब हम नेक्स्ट चलेंगे डी स्क्वेयर, जैसे हमने पिछले इसमें किया था। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव का स्क्वेयर 0.25, इसका क्या हो जाएगा 25, और इसका क्या होगा 0.35 का 12.25, इसका आ जाएगा 4, इसका आएगा 0, माइनस 2.5 का अगर स्क्वेयर करेंगे आप, इसका माइनस 2.5 का स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, और इसका 0 माइनस 0.05 का स्क्वेयर आ जाएगा 25, और माइनस 1 का स्क्वेयर 1, 0 0 0। तो इस तरीके से इसको आप टोटल कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा समेशांक डी स्क्वेयर इक्वल टू 49, कितना आ गया 49। अब इसको आप फार्मूले में एडाप्ट कर फार्मूले में ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो 1 फार्मूला हमारा है रो इक्वल टू रो, इट मींस कोरिलेशन, तो कोरिलेशन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशांग डी स्क्वेयर अपान एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1। तो हमारा एन कितना है यहाँ पर 8 है, तो देखिए 1 माइनस 6 इंटू 49 कहाँ से आया, ये ई डी स्क्वेयर का जो वैल्यू है वो 49 डिवाइड बाय 8 इंटू 8 स्क्वेयर माइनस 1, तो इट मीन्स ये हो गया 1 माइनस 6 इंटू, अब आप 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 294 डिवाइड बाय 8, 64 माइनस 1, तो इट मीन्स 294 डिवाइड बाय 63, ये कितना हो गया 8 इंटू 63, तो इट मीन्स माइनस, यहाँ पर भूल गए हम 1 माइनस, तो इट मीन्स माइनस 1 माइनस 294 डिवाइड बाय, अब 63 इंटू 8 करेंगे तो ये आएगा आपका 504, तो इट मीन्स अब क्या करेंगे 294 डिवाइड बाय 504 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 294 डिवाइड बाय 504 करेंगे तो ये होगा आपका 0.583, और इस तरीके से आप 1 माइनस 0.583 को माइनस करेंगे तो जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 0.42। तो इस तरीके से आप कोरिलेशन को क्या करेंगे, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। मैथ्स और हिंदी के बीच जो कोरिलेशन है वो 0.42 है, इससे स्पष्ट है कि जो स्टूडेंट का जो योग्यता है वो दोनों के बीच में धनात्मक या पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब यहाँ पर मैथ्स के योग्यता के साथ साथ या मैथ में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ
हिंदी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से आप जो स्पेयरमैन है या एडवर्ड स्पेयरमैन है, जिन्होंने फार्मूला बताया रो इक्वल टू वन माइनस सिक्स इंटू समेशांक ए डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एन ब्रैकेट एन स्क्वेयर माइनस वन के थ्रू हम रैंक मेथड से क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, कई स्टैटिकल फार्मूले में स्टैटिकल मेथड्स में इसका रैंक मेथड्स का यूज़ होता है। जब हमको क्वालिटी ज्ञात करनी होगी दो चरों के बीच में खासकर, तो इसका यूज़ बड़े पैमाने पर होता है। तो बने रहिए वीडियो पे, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।